हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्ते। मैं कंचन, मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं आज का ब्लॉग शुरू करने जा रही हूँ। हम रास्ते में जा रहे थे तो हमने ये देखा कि ये जन्माष्टमी के अगले दिन झांकियाँ निकल रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये भोले जी और उनके साथ पार्वती जी नाच रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के, किस तरीके से नाच रहे हैं आप देखिए। एक झांकी ये थी और एक झांकी इसके पीछे, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये जो सरदार जी हैं इन्होंने बहुत ही ख़तरनाक स्टंट कर रहे थे। मतलब कि इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने शुरू से करा स्टंट, ये जो कील रखी पड़ी हुई है ये इन्होंने सरिया लिया है और सरिये के बीच में ये देखिए किस तरीके से ये कील के फट्टे फंसा रखे हैं। कील के फट्टे फंसाने के बाद इसके ऊपर से ये लोग टाइल्स रख रहे थे। टाइल्स रखने के बाद इन्होंने ये देखिए किस तरीके से इन्होंने कील, खूब सारी कील थी, देखिए इन्होंने टाइल्स सरका दिया है। बहुत सारे टाइल्स रखे, हर कील के ऊपर टाइल्स अटका रखे थे। उसके बाद इनके हाथ में एक भैया के पास मिट्टी का तेल था और उसके बाद इन्होंने एक मिट्टी का तेल डाला उसमें और उसमें आग लगा दी। और मतलब स्टंट ये था कि इन्होंने किस तरीके से इन्होंने मारा और हाथ पे जो है इनके कील चुभ गई और साथ में आग भी लग गई थी, खून खून हो गया था बहुत ज़्यादा। फिर इन भैया को लेके गए हॉस्पिटल डॉक्टर के पास। और एक झांकी ये राधा कृष्ण की निकल रही थी, अच्छी लग रही थी, बहुत भीड़ हो रखी थी देखने के लिए, लोग तो वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे। अच्छी लग रही झांकी राधा रानी की, देख के बहुत मज़ा आ रहा था। और एक झांकी ये Thank you.
मुझे मेरे को जाना है। ओह माय गॉड, बैलेंस कैसा रहता है कार का? तो जगह नहीं है, डेढ़ में बैलेंस कैसे? दोस्तों अब आप आ चुके हैं मौत के कुएं से नीचे। ये अमन है, इसको आप जानते ही हैं। अभी हम जब रिसेंटली कुम्हराड़ी गए थे वहाँ पर, तो वहाँ उसका घर है। और ये हम दोनों माजी को कर रहे थे वीडियो कॉल में माजी को सारे मेले वगैरह दिखा रहे थे, और मैं भी मतलब वीडियो कॉल मैंने भी बात की थोड़ी सी वीडियो कॉल में। अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है, पीछे देख रहे होंगे आप, ये है मौत का कुआं जिसमें हम अभी गए थे। और ये है पीछे देख सकते हैं, चरखी बहुत ही ऊंची चरखी थी, डर लग रहा था उसमें। मैं तो बैठी भी नहीं, मुझे बोल रहे थे बैठने के लिए, मैं तो बैठी भी नहीं डर के मारे। और ये है बच्चों की गाड़ियाँ, ये देखिए कार है, इसमें बच्चे बैठ रहे, इसमें झूल रहे थे बच्चे। और एक और झूला था यहाँ पर बच्चों के लिए, ये है बच्चों की बाइक, इसमें बच्चे बाइक में बैठ के झूल रहे थे। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत से झूले थे यहाँ पे। सो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे जो मैंने ऊपर से दिखाया था वो गोल गोल घूमने वाला, ये वो वाला झूला था। तो दोस्तों आ गए हम फिर से अमन के पास, इसका नाम अमन है, और ये हमारे साथ घूम रहा है मेले में। बहुत अच्छा मेला लगा हुआ था, देखने में काफ़ी अच्छा था। फिर उसके बाद ये देखिए, मैं आपको कहा था कि माजी वीडियो कॉल पर, तो माजी को दिखा रहे थे वीडियो कॉल में सारे झूले वगैरह अच्छे लग रहे। तो देखिए मैं आपको झूले दिखाती हूँ, ये वही वाला झूला है जो मैंने आपको अभी ऊपर से दिखाया था, गोल गोल, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा चक्कर आते हैं। और ये है ड्रैगन वाला झूला, इसमें एक बार मैं बैठी थी, उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हुई, उसके बाद मैंने तो साफ मना कर दिया कि मैं इसमें नहीं बैठूँगी। और ये वाला झूला तो वैसे भी ऊपर ऊँचा है, उस वाले झूले से ऊँचा झूला है ये। एक ये गाड़ी वाला झूला है, ये देखिए। और एक ये था निशाने वाला, इसमें तो कभी निशाना लगता ही नहीं है, ये निशाने वाले भैया बैठ रखे हैं। ये देखिए इस तरीके से ये गाड़ी जा रही थी, काफ़ी सही था, अट्रैक्टिव लग रहा था। और फीस भी ज़्यादा नहीं थी, 50 रुपये मात्र झूले की। एक ये बबल वाले भैया, इनसे मैंने ये बबल इन्हीं से लिया था, मैंने एक साथ में बहुत सारे बबल उड़ा थे, मतलब देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। इस तरीके से देखिए इन सब ने बबल उड़ाए, ये देखिए कितना मज़ा कर रहा है बबल उड़ा के।
इसमें देखिए एक इसमें वाइट टी शर्ट में है, वो है गोलू जिनके घर पे अब हम जाएंगे। सो ये देखिए कितने मज़े कर रहे हैं बबल उड़ा के इस तरीके से। उन भैया का सारा बबल इन्होंने पानी भैया इतने सीधे इतने अच्छे भैया, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और ये सारा इनका बबल उड़ा रहा है। देख सकते हैं आप उनका एक एक दोनों ने पाइप उठाया और भैया का सारा बबल उड़ाने लग गया, सारा ख़त्म करने लग गया। काफ़ी दुकानदार वाले भैया बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला इस बात की कि मतलब क्यों ख़त्म कर रहे हो इस टाइप से, कुछ भी नहीं। उन्होंने खूब सारा का ख़त्म करके बस उसके बाद जब खूब मज़े वज़े किए डांस वांस किया उसके बाद हम चले गए बबल वाले भैया को छोड़ के आगे। फिर मैंने कहा मुझे चाट खानी है, पर इन्होंने कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं। पर फिर मेरा आइसक्रीम तो खाने का मन नहीं था क्योंकि मेरे को गला बैठने का डर था, तो इस चक्कर में मैंने आइसक्रीम के लिए मना कर दिया। तो बस यही खा रहे हैं आइसक्रीम, ये सॉफ्टी आई अमन की सॉफ्टी, तो मैंने तो मना कर दिया क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ था, तो मैंने इनको पकड़ा दिया। तो इन्होंने और अमन ने और गोलू ने, मैं भी दिखाऊंगी आपको गोलू, गोलू मिल ही नहीं रहा था तो अचानक से पता नहीं कहाँ चला गया था। बस उसके बाद फिर गोलू को ढूंढा हमने और उसके बाद हमने दोस्तों यहाँ पे मैं वॉइस ओवर मतलब मैंने आवाज़ नहीं डाली क्योंकि ना इतना शोर हो रहा था वहाँ पे, और मैं माइक लाना भी भूल गई थी, मतलब मेरा कोई आइडिया नहीं था कि मैंने मेला जाना है तो मैं माइक लाना भूल गई थी। तो ये देखिए ये है गोलू, तो इनके घर पर हम अब जाएँगे मेला घूमने के बाद। हम तो इनके घर पर गए थे पर अमन ने बोला कि चलो भाभी मेला घूमने चलते हैं, इसलिए अब हम मेला घूमने आ गए। अब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जो मतलब अलग अलग तरह की कौन कौन सी दुकान लगी हुई है। मैंने बस इतना लगा कि यार आइसक्रीम को चख ले, फिर मैंने कहा चलो थोड़ा टेस्ट कर, तो मुझे बस गले दर्द होने की दिक्कत तो मैंने नहीं खाई। हाँ तो चलो दोस्तों अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कितनी सारी दुकानें लगी हुई थी, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर खिलौने लगे हैं, दुनिया भर के खिलौने की दुकान बच्चों की, बचपन में हम बहुत खरीदते थे। ये देखिए गुड्डे गुड़िया, बचपन में इतने गुड्डे गुड़िया खरीदे हमने बहुत ही ज़्यादा। यहाँ देख सकते हैं मतलब खिलौनों की तो इतनी दुकानें थी यहाँ पे, अंकल जी भी वीडियो में देख रहे थे। और दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे अंगूठी वगैरह चैन चून, और ये देखिए कितनी सारी अंगूठियाँ हैं बच्चों के धगले धूले पहनने के, बहुत सारे थे। बॉयज़ ओवर इसलिए नहीं किया मैं उस टाइम पे, बॉयज़ ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा शोर था, आवाज़ बिल्कुल नहीं आती। यहाँ देख सकते हैं आप कितनी सारी चूड़ियाँ हैं, कड़े चूड़ियाँ बहुत सारे रखे हुए थे अंकल जी ने, देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, काफ़ी अट्रैक्टिव कड़े रखे हुए थे अंकल जी ने। आइए है खाने का स्टॉल, लेक यहाँ पर बन रहा था डोसा, और यहाँ पर रखे हुए थे ये है कप प्लेट्स की दुकान है, बहुत ही अच्छा अच्छा कलेक्शन लगा हुआ था, मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए कितनी सारी प्लेट्स, प्लास्टिक की प्लेट, ये देखिए ये वाली प्लेट कितनी सुंदर है, ये वाली कितनी सुंदर है, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी भैया ने। ये देखिए यहाँ पे, और ये रखा हुआ था उन्होंने कप का सेट, अलग अलग डिज़ाइन के पता नहीं कहाँ से कप ला रखे, ये गुल्लक रखे हुए हैं, ये कप है, ये ग्लास है, अलग अलग जगह के, बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में, मतलब कप भी बहुत ही प्यारे रखे थे उन्होंने। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये उनका वो देखिए कप, अलग अलग डिज़ाइन के कप ला रखे थे, पर जहाँ से भी ला रखे थे बहुत अच्छे कप थे। हाँ मुझे एक इसके बाद एक डॉगी मिला बहुत ही क्यूट, इतने क्यूट डॉगी, उसको पहले तो डर लग रहा था मुझे छूने में, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं काटता नहीं है, उनके पूछा मैंने काटेगा तो नहीं, लगा नहीं तो बहुत अच्छा, इतना सॉफ्ट इतना गुदगुदा सा मज़ा आता उसको छूने में, ये इतना प्यारा लग रहा था कि बस मेरा मन कर रहा था कि घर ही ले आऊँ, इतना अच्छा कुत्ता लग रहा था वो। बस फिर क्या हमने मैंने थोड़ी देर उसके कुत्ते से मजाक से मजाक किया, चलिए दोस्तों मेला घूम लिया है, ये है पूरा मेले का नज़ारा। अब हम जा रहे हैं उनके घर की ओर, तो देखिए मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ, यहाँ इस तरीके से ये पूरा मेला है। बस चल दिए हैं अब हम घर की ओर,
मैं आपको बाहर का मेन गेट दिखाऊंगी कि बाहर का मेन गेट कैसा है। ये देखिए इस तरीके से चलो दोस्तों, आपने देखा क्या ज़बरदस्त मेला लगा हुआ था। अब हम जा रहे हैं घर, बताऊंगी किनके रिश्तेदार उनके घर जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं, जो हमारे साथ है अमन को तो आप जानते ही हैं, उपराड़ी में उसका घर। और जिसके घर हम जा रहे हैं वो हमारे साथ एक और है, उसका नाम है गोलू, उनके घर पर जा रहे हैं हम। तो आज का खाना वही है, वही जा रहे हैं हम दोनों। अब हम उनके घर जा रहे हैं। चुके हैं हम इनके घर पे। ये इनकी चिमड़ी, उन्होंने खोला गेट। सो दोस्तों बुढ़िया हो गई, इसलिए मोटी हो गई। ठीक हो गया, चल।